So hey guys, welcome back to our channel that is BACM by Paras Khatri and also to our app that is BACM. And in this chapter, we're gonna discuss about directing and directing की importance के बारे में बात करने वाले हम. Directing होता क्या है, उसकी importance क्या होती है, यानी कि निर्देशन क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है. और ये chapter है 7 और BSc की 12th की book का. So इसको फटाफट start करते हैं guys. So सबसे पहले समझते हैं कि directing यानी कि निर्देशन होता क्या है. So directing यानी कि निर्देशन से सिंपल सा मतलब ये है कि आप किसी को भी यह बताना कि काम क्या करना है. मतलब कि आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास में लेबर अवेलेबल है. अब वो लेबर को उस रिसोर्सेज के साथ क्या करना है, उस लेबर को या फिर उस एम्प्लॉय को उन रिसोर्सेज की मदद से क्या गोल्स जो है वो अकम्प्लिश करने हैं, क्या टारगेट अचीव करने हैं, ये काम होता है डायरेक्टिंग का. सो अगर हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस वाइज समझें तो आपको याद होगा हमने जो है वो प्रीवियस चैप्टर्स में सबसे पहले प्लानिंग करी कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाने हैं, कितने बनाने हैं, कैसे बनाने हैं. उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो है वो ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग करी, यानी कि हमने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया. जितनी भी हमारे को प्रोडक्ट्स हमारे को मतलब बनाने थे उसके अकॉर्डिंगली मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो मशीन्स चाहिए, जो प्रोक्योरमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मैंने सबको ऑर्गेनाइज कर लिया. नेक्स्ट चैप्टर था स्टाफिंग के अंदर. हमने स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट के अंदर हमने जो है वो जो लोग हमें चाहिए थे इस मशीनरी के हिसाब से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से हमें जो लोग चाहिए थे वो सब हमने जो है वो अरेंज कर लिए, हमने रिक्रूट कर लिए और उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी दे दी. अब नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर के अंदर यानी कि डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम जो लोगों को हमने रखा था, जो स्टाफ हमने रिक्रूट किया था, जिनको हमने ट्रेन कर लिए, अब उनकी मदद से और जो रिसोर्सेज हमने ऑर्गेनाइज किए उन को जो है वो हम सबको मिला करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल यानी कि प्रॉफिट की तरफ लेकर जाएंगे. ठीक है. सो ये हमारा ऑल अबाउट जो है वो डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन था. अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस यानी कि डायरेक्टिंग का जो है वो महत्व क्या है, निर्देशन का महत्व क्या है. सबसे पहले क्या है, डायरेक्टिंग हेल्प इनिशिएट एक्शन. अब कोई सी भी ऑब्वियस बात है, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि अगर आप रेस के लिए खड़े हैं और जब तक जो है वो आगे से आपको सिग्नल नहीं हुआ है कि भाई भागना है, अब आपको आप वहां पर पहुंच गए, आप वहां पर खड़े हैं, लेकिन जब तक आपको सिग्नल नहीं होगा कि आपको भागना शुरू करना, तब तक आप भागेंगे ऐसे. तो ऐसे ही अगर डायरेक्टिंग के अंदर यानी कि डायरेक्टिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए क्योंकि अगर डायरेक्टर यानी कि सुपरवाइजर कंपनी के मैनेजर अगर ये डायरेक्शन नहीं देंगे कि भाई अब काम शुरू करना है और अब काम इस डायरेक्शन में शुरू करना है तो काम शुरू ही कैसे होगा. तो डायरेक्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि वो इनिशिएट एक्शन करता है यानी कि कार्य प्रारंभ करने के निर्देश देने में सहायता करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग इंटीग्रेट्स एम्प्लॉई यानी कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत प्रयासों को समकालित करता है. यानी कि देखिए हर एम्प्लॉई की अपनी अलग पोटेंशियल होती है, अपने अलग जो है वो कैपेबिलिटीज होती हैं, उसके हिसाब से हर कोई काम कर रहा होता है. उन सबको एक दिशा में ले जाना, उन सबको एक वे में ले जा करके कलेक्ट करना और उनसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कराना ही जो है वो डायरेक्टिंग का मेन रोल होता है और वो इसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग गाइड्स एम्प्लॉय टू रियलाइज देयर पोटेंशियल. निर्देशन कर्मचारियों का मार्गदर्शन करता है. देखिए हर एम्प्लॉय की जो है वो जो पोटेंशियल होती है, जो उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो उसे पता नहीं होती है. अगर मैं कोई भी सक्सेसफुल पर्सन की बात करूं किसी भी फील्ड के अंदर, तो ऐसा नहीं था कि उन्हें बचपन से ही पता था कि हाँ मैं इतना बेस्ट हूं और मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूं. देयर वाज ऑलवेज वन पर्सन जो कि रियलाइज कराता है आपको लाइफ में कि हाँ ये काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, कि आपको करना चाहिए. तो ऐसे ही जो अच्छा मैनेजर होता है, अच्छा डायरेक्शन मेकर होता है, जो अच्छा डायरेक्शन गिवर होता है, वो क्या करता है, वो जो है वो एम्प्लॉयज़ की पोटेंशियल उन्हें याद कराता है कि यार देखो आप इतना कर रहे हो लेकिन आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हो, मैं आपकी पोटेंशियल समझता हूँ. ठीक है. तो उनकी राइट पोटेंशियल यानी कि उनकी सही कैपेबिलिटीज़ उनको समझने में हेल्प करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टिंग हेल्प अंडरस्टैंडिंग नीड्स ऑफ द चेंजिंग यानी कि आवश्यक परिवर्तन को प्रारंभ करने में मदद करता है. देखिए कोई भी जब चेंज आता है ना बिजनेस के अंदर, कोई भी सेक्टर के अंदर चेंजेस आते रहते, बिजनेस जो है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में चलता है, यानी कि बार बार बदलने वाले एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बिजनेसेस चलते हैं. तो जब भी कोई चेंज आता है ना, तो उनको चेंज को लाने में डायरेक्शन का बहुत रोल है, यानी कि डायरेक्टिंग का बहुत रोल है, मैनेजर सुपरवाइजर का बहुत रोल है. कैसे उसको समझते हैं,
सोचिए कि जब रेलवे के अंदर आपको याद होगा, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट, अगर हम महकमे की बात करें, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, सबके अंदर पहले ना हाथ से जो है वो अटेंडेंस लगती थी, सारा काम शीट्स पर रजिस्टर्स पर होता था। लेकिन अब आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है। तो आप सोचिए कि जब गवर्नमेंट ने कभी लॉन्च किया होगा कि हाँ अब से जो है वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो आपको लगता है कि रातों रात सब लोग सीख गए होंगे या रातों रात सबने वो चीज मान ली होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपका डायरेक्शन मेकर, यानी कि आपका मैनेजर, आपका सुपरवाइजर आपको बार 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 ये याद ना कराए कि अरे यार ऐसे नहीं करना है, अब इसको नए तरीके से करना है, चेंज आ चुका है, जो हमारा एनवायरमेंट है वो चेंज हो चुका है, हमें इसे चेंज तरीके से करना है। तो जब तक आपका मैनेजर यानी कि आपका सुपरवाइजर उस चीज को इंप्लीमेंट नहीं करवाएगा, आप लोग नहीं करोगे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बिजनेस में जब भी कोई चेंज आता है तो उसको चेंज को इंप्लीमेंट कराने के अंदर जो है वो डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्टर डायरेक्शन मेकर्स का जो बहुत ज्यादा रोल रहता है। एंड लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव डायरेक्टिंग हेल्प ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, यानी कि प्रभावी निर्देशन संस्था की स्थिरता तथा संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो बैलेंस लाना है, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर स्थिरता लानी है, उसके अंदर स्टेबिलिटी लानी है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी डायरेक्शन भी उसी टाइप की हो। क्यों? सोचिए, पहले तो कोई जो मैनेजर है या फिर सुपरवाइजर है वो कुछ नहीं कहता है किसी को, ठीक है, मतलब पूरा महीना चलता रहता है और मंथ एंड में या ईयर एंडिंग में क्लोजिंग के टाइम पर बिल्कुल जो है वो बावला हो जाता है, बिल्कुल जो है वो लाइक अपना क्या बोलते हैं कामनेस खो देता है। तो उससे होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है। अब दोनों तरीके से बात करते हैं, स्टेबिलिटी कैसे नहीं रहती है। एक स्टेबिलिटी होती है प्रॉफिट वाइज, टर्नओवर वाइज, यानी कि पैसों की, तो वो स्टेबिलिटी भी नहीं रहती क्योंकि आपका सुपरविजन एक जैसा नहीं है, आप एक तरीके से उनको हैंडल नहीं कर रहे। और दूसरा, जब एम्प्लॉयज खुश नहीं होते ना अपने डायरेक्टर्स डायरेक्शन मेकर से, यानी कि अपने मैनेजर से, अपने सुपरवाइजर से, तो वो जो है वो कंपनी को बहुत जल्दी छोड़ के चले जाते हैं, तो इससे कंपनी की जो है वो स्टेबिलिटी भी खराब होती है। तो ये सब हमारे जो थे वो इम्पोर्टेंस थी, महत्व था डायरेक्शन यानी कि निर्देशन का। तो आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा गाइज। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार।